नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं आपके सामने छोटे पर्दे पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल आपके आ जाने से के अपकमिंग ट्रैक को लेकर बड़ी खबर जो आई है उसको पेश कर रही हूँ। बताने वाली हूँ कि आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको क्या देखने को मिलेगा। अपकमिंग जो एपिसोड आएगा इस शो का वो बहुत ही दिलचस्प होगा और आप जब देखेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि शो मेकर इतना बड़ा यू टर्न ला सकते हैं, इतना बड़ा मोड़ ला सकते हैं कहानी में। दरअसल वेदिका और साहिल जहाँ एक तरफ अपनी दुनिया में बहुत खुश थे भूमि का साथ छोड़ने के बाद, घर वालों का साथ छोड़ने के बाद, लेकिन भूमि है कि जो कि साहिल के बिना नहीं रह सकती है। उनकी मुलाकात भी हुई थी साहिल से, उसके बाद उन्होंने कहा था कि साहिल अगर मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं हो सकता है और साहिल को मैं अपने पास ला कर रहूंगी। हालांकि साहिल जो थे वेदिका से खुलेआम रेडियो स्टेशन में अपने प्यार का इजहार करते हैं, वेदिका भी उनसे उनके प्यार को स्वीकार करती हैं, लेकिन इसके बाद किसी को पता नहीं था कि साहिल और वेदिका का प्यार या वेदिका की दुनिया में अब कहीं ना कहीं खुशियों में जो है रंग में भंग मिलने वाला है, क्योंकि अपकमिंग ट्रैक में साहिल का एक्सीडेंट हो जाएगा और इस वजह से कहीं ना कहीं घर वालों का जो एक घर वाले जो खुशियां मना रहे हैं उस खुशियों को कहीं ना कहीं नज़र लग जाएगी। देखिए अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, साथ ही आप ये भी देखिए किस तरह वेदिका का बुरा हाल हो जाएगा। सो गया था दिन। प्लीज बताओ साहिल पापा, साहिल पापा, मामा। बट वन मोर, अरे कितना पीछे जाना, देख लो भाई मेरे। तो फिल्म में आ गए। साहिल पापा, क्या हुआ मामा? मामा, प्लीज बोलो भाई साहिल पापा, मामा बताओ ना, आप मुझे डरा रहे हो ना मामा? शॉप बोर्ड क्रेन चार्ज एक रोलिंग कार नीचे सुपरा क्रेन चार्ज कर गनी रोलिंग कार एक्शन पे एक्शन अपने साहिल का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं भूमि की साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भूमि ने धमकी दी थी और भूमि ने साहिल को अपनाने की बात कही थी उससे जो कहीं ना कहीं इसी बात की पूरी संभावना है कि पूरी साजिश के पीछे भूमि है। फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ और देखने को मिलता है अपकमिंग ट्रैक में और क्या देखने को मिलता है कि साहिल जब वापसी करेगा तो मालूम चलेगा कि आखिर असल गुनहगार है कौन।